सर। बोलो जी मोनिका। इंशाल्लाह हम गाड़ी ट्यून करवाने जाएंगे और जाएंगे फोर के गैराज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग कह रहे हो गाड़ी मैंने पीछे खड़ी की थी, आगे कैसे आ गई? तो जी मैं सुबह बहन को छोड़ने गया था, उसका पेपर चल रहा है, पेपर है आजकल, तो मैं उधर छोड़ने गया हुआ था, कुमार से चल गया, और अभी मैं उसको लेने जा रहा हूँ। ठीक है, आज आपके बहन ने आप सबको चल ही देना है, आप सबको चल ही नहीं देना। टिकटॉक पे जाता मैं चेंजेस लगा रहा हूँ, आप लोग टिकटॉक जाकर मुझे फॉलो कर लो अगर आप लोगों को नहीं पता। तो दूसरा ये कि काफी ज्यादा बातें फैल रही हैं, आखिर तो मैंने देर से बता सेल करती हुई था, जिसको सेल किया वो तो शाम है भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी, वो आज को मैं बुला के आज ही मिलता हूँ और आज ही मैं आप लोगों को सारी डिटेल वगैरह भी सारी बता दूँ, गाड़ी कितने की सेल हुई और किसको किया, तो शाम को किया। और गाड़ी का जो नंबर था मैं सारी उम्र गलत चलाता लगाता है, गल नंबर था उसका, असल नंबर जो उसका था वो था ME659, जो कि मैंने लिखा था ICT 659। अब तक जब चला रहा था मैं तो सीरी कुछ ऐसे हैं कि जी मैं पेपर ले लेता, माशाल्लाह पेपर उसका अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अभी से मैं कहता हूँ डिमोनिका वाला सिस्टम भी ट्राई करो, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है इस चीज़ को लेके। और आप लोगों से जो मेन बात करनी थी ये कि गाड़ी ट्यून मैं कल करवा लूँगा, कल इंशाल्लाह हम गाड़ी ट्यून करवाने जाएंगे और जाएंगे फोर के गैराज। अच्छा इसका हम कराएंगे क्या क्या, वो मैं अभी आपको सारी डिटेल बताता हूँ, हर एक चीज़ की डिटेल बताता हूँ। अभी बेसिकली वो सारी इंग्लिश में है, आपको समझ नहीं आएगी, मैंने खुद उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, मतलब इतना बता दूँ बस। आपके जो काम की फिलहाल चीज़ है, बल्कि नहीं आपको एक दफ़ा थोड़ी देर बाद आपको उम्र से मिलती है ना, सारी डिटेल आपको मैं सारी की सारी आपको क्लियर कर देता हूँ। बहन को भी यहाँ से एडमिशन उसको दिलवा दूँ मैं ज़रा अकेडमी में, ओके अब मैट्रिक कम्प्लीट हो गई है, तो उसके बाद घर जाते हैं, उम्र को पकड़ते हैं, मार्केट खास भी कराना मैंने आज, फिर डिटेल देते हैं आपको कल हमने क्या। और आप लोगों ने कमेंट बताना कि फोर के गैराज से कराऊँ कि ना कराऊँ। ठीक है, गर्मी एकदम आती है और अल्लाह की कसम हर जगह आग लग जाती है। ऊंचा बोलो मोनिका, तुम्हारी नहीं सुनती, अब बोलो, अब बोलो, बोलो फुल ऊपर, फुल ऊपर करो गाड़ी, कैसा अच्छा। घर के नीचे में आ गया था और अब जाएंगे हम उमर की तरफ, मैंने बीएड भी कराने बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो मैं ऐसी हाल में फिरता रहूँगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। बीएड करवाते हैं, आगे ऑयल लगाते हैं, नहाते हैं, नहीं तो फिर पहले मैं चलते हैं मार्केट आपके लिए जो वीडियो शूट करने हैं, फिर वीडियो भी शूट करेंगे, लेकिन उसके लिए बीएड होना बहुत ज़रूरी है, फिर नहा धो के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पिन करेंगे 70 पर जाकर उमर को लेकर आएंगे, उमर को एम ही बिला वजह बैठाएंगे और साथ हम भी बैठेंगे, साथ स्ट्रिंग स्ट्रिंग पियेंगे और साथ बीएड जाएंगे। इस रिलेटेड रोड के सवाल आप लोगों के पास बचा नहीं होगा यकीनन, और बाकी जो ट्यून की डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ट्यून कैसे होगी, कहाँ से होगी, ये मतलब अभी करवाने डीप फ्लैश करेंगे इसको, कितने हॉर्स पावर गेन होगी, 35-40 हॉर्स पावर गेन हो, जो इस वक्त आती है वो है 175 या 170 के करीब आती है राउंड अबाउट। और इसके बाद अगर आप इसको हर लिहाज से ख़त्म करें, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी, लाइक इसके फैंस की स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि ये आगे जाकर जून जुलाई अरे हीटअप ज़्यादा ना हो, गाड़ी हीट ना करे, और गाड़ी के कुछ चीज़ें खोलेंगे, फ्यूल कंट्रोल करना पड़ेगा, बड़ा कुछ होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ डिटेल में। उमर की तरफ चलते हैं और इतना बता दूँ फोर के गैराज से कराऊंगा अगर कराऊंगा तो, आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना। ठीक है, बाइक चाहिए यार, आजा बाहर जाकर ट्राई कर ली, पेड़ करवाने से पहले मैं पहले बिरयानी खा लूँ, बहुत सब भूख लगी थी मुझे, चाहना कि मैं लेके बिरयानी खाते हैं और वहाँ पर फिर आऊँ, मेरे को बाइक, तुमको बाइक भी चाहिए और आपको भी इतनी बीएड भी करवा लेगा। एक ना ब्लू स्ट्रिप्स मिलती है, सही कह रहा हूँ मैं, ब्लू भी मिलती हैं, रेड भी मिलती हैं और वाइट पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, वो लगवा लो साइड पे, चलते ही प्यारे लगेंगे। तो आपने बाइक दिखाई है मेरी? आप तो आओ दिखाओ, अभी नहीं, अब काम करवा दो, नहीं अभी दिखा दो ना, अब रोशनी अंधेरा हो जाएगा, चलो वापसी दिखा देना भाई, उठ जाओ मेरी जगह से, बाइक ले जाओ, चलिए आपके भाई ने उड़िया में भाई बाइक है, मैं उतार लूँ, ओहो कपड़ा गंदा है, ये क्या कुछ किराया नहीं है, फिर जा रहा है भाई मेरे साथ आना है, ओके आए हाय हाय यार, इसमें भी मैंने जाना तारीख पे जा सकता हूँ, तो की बात है अभी नहीं जाना, जब जाना मैं आपको बता दूंगा। कितने का पड़ा, कितने का पड़ा ये? 5 लाख रुपए की पूरी। हाँ जी, ये चिक्सर है ना, ठीक है, की है यार, ये बाकी करवा के देंगे मुझे, बस ठीक है, उसको बुला लेते हम इशफाक को, उससे रैप करा लेते हैं, राइड इसकी मैं सुबह ही लूँगा अब, ठीक है, ओके ओके भाई, कोई लड़के की लड़ गई हुई है। अच्छा मेरी बेसिकली आप लोग कहते हैं लिपस्टिक लगाता है, मेरे ना होंठ, मेरा पानी नहीं पीता हुआ पूरा दिन, पता होगा शायद, तो साथ ही साथ ना आपके भाई के जो है ना होंठ फट गए,
फाटे इसलिए किए हैं क्योंकि पानी नहीं पीता। जैसे मैं चिपस्टिक लगाता हूँ उस पर जब फिल्टर लगाता हूँ ना आईफोन का, थोड़ा सा लगा के फिल्टर ब्लॉग अपलोड करता हूँ तो वो ना सारा लिपस्टिक शो करता है। हमने दो दिन इसका जो ट्राई करनी थी वो पूरी पूरी कर लिया है कि मतलब कि कहीं से हमारी गैस लीक नहीं हुई एयर की, क्योंकि वो अक्सर लीक हो जाती है गाड़ी का। आप लोगों के शायद किसी लोगों के व्लॉग्स देखे भी हो और आप लोगों को पता भी होगा, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो अब हम जा रहे थे कसैया पूरी करवाने, एक दफा फिर कसैया करवा लें ताकि कल को हमें कोई मसला पेश ना आए। दो दिन चेक करने के होते तो हमने पूरी अपने तरीके से खड्डों में, अभी मैं खड्डों पर चला रहा हूँ बहुत हैवी वाले, लेकिन कहीं से कोई गैस लीक नहीं हुई, लेकिन मैं एक दफा फिर से टाइट करवा लेते सारा कुछ। और उसके अलावा आपको चैलेंज की वीडियो जाके देते हैं तो शाम को मिलते हैं, तो शाम को चैलेंज कर देते हैं हमें एक आधा। गाड़ी भी तो उसको ही सेल की है जो कि हम बड़ी देर से गलत नंबर चला रहे थे, नंबर आपको बताला कि हो गया M6 था जो कि हमने ICD लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं, पर्चे भी ICD पे कराए हमने। और क्या रह गया था, शाह ट्यून की टेल फिर मैं आपको बात दूंगा, वो फिर अभी फिर नहीं दूंगा, लेकिन चले आपको बताते ना कितने हॉर्स पावर गेन होगी वो अभी थोड़ी देर तक मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। भैया पेट्रोल वाले मेरी गाड़ी बंद होने लगी है और सुबह का नहीं डलवाया हुआ ऐसी फ्री जा रहा हूँ। अरे मैं पोटर से आया था मुझे यहीं पर ना तो शाम की गाड़ी नजर आ गई है, तो ये अंदर पक्का पक्का फैमिली के साथ होगा या तो झूले ले रहा होगा या कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, तो इसको भी बाहर बुला ले तो मैं यहाँ पे यहीं से आज चाय देते हैं यार। के देखो जी मैंने उस पर सिटी भी रख दी, सिटी मेरा लव है, सिविक भी मेरा लव है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में गाड़ियाँ मेरे पास हैं, थी और एक थी, एक एक्स है और एक प्रेजेंट है। सो मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास सिविक है, टिकटों पे दो गैंग हैं बड़े बड़े देखे हैं, सिटी के लेवल के पास लैम्बो डोर्स हैं और एक सिविक वाला ये भी फिरता रहता है, तो मैं इसको भी चैलेंज देता हूँ यार कि जिसके पास ज़्यादा वो होगी क्या नाम है लैम्बो डोर्स वाली गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी उसको हम या तो कोई साफ कर लेंगे, गिव अवे करेंगे किसी फैन के साथ कमेंट में, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे जो बताएगा कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा लैम्बो डोर्स वाली गाड़ी है तो उसको हम ना कोई आईफोन वगैरह या कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपका भाई ज़रूर देगा, चाहे जितनी जितना जो सा भी हुआ दे दूंगा मैं। हाँ जी भाई चैलेंज हो जाए फिर, हो जाए भाई चैलेंज। मैंने भाई कह दिया वहाँ को, मैं कहा भैया तो शाम साहब हम दोनों मिलके चैलेंज लेते हैं, अगर इसके बाद जितनी सिविक है या जो भी जहाँ मर्जी से अरेंज करे सिविक वो तेरा रोल है, ठीक है, लोग कमेंट करेंगे या तो तेरे पास ज़्यादा सिविक वाली लैम्बो डोर्स वाली सादी सिविक नहीं कोई भी लैम्बो डोर वाली सिविक हुई, एक मिनट भाई सिर्फ एक मिनट, ठीक है, अब आराम से बना मेरी कन्वर्सेशन टूट रही है। लैम्बो डोर वाली सिविक जहाँ मर्जी से अरेंज कर, चाहे तेरी 5 गाड़ियाँ हो 10 गाड़ियाँ या 11 गाड़ियाँ हो, तूने ज़्यादा कर ली तो जिससे कमेंट ज़्यादा किया, अगर तेरे मतलब जिसने कमेंट ज़्यादा किया होगा जिसके मतलब भी किया होगा जिसने सही किया होगा ना उसको हमने भाई आईफोन देना है, आईफोन 14 या 15 दोनों में से एक देंगे लाजमी, ठीक है, कमेंट्स में हम बंदा खुद उठाएंगे और टिकटॉक पे भी वीडियो लगेगी और यूट्यूब पे भी लगेगी, आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। सांस बहुत चढ़ा हुआ आपको, क्यों कहाँ से भाग के आए उस सामने से पीछे वाले एरिया से, तो पता कैसे चला मैं यहाँ पे, भाई ने बताया जो भी यहाँ से मिल के गया मेरे से, सही हो गया, चलो बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। जब यहाँ से हम निकले चैलेंज का आप लोगों को पता लग गया होगा, नहीं पता लगा तो टिकटॉक पे जाके वीडियो देख लेना, अगर मैं जीत गया यानी कि सिटी जीत गई, चैलेंज के लिए पैसे भी मैंने ले लिए आपके लिए, सिर्फ आईफोन के लिए हमने 3 लाख रुपए अभी पकड़ लिया, हमने फोन लेके आना पहले और उसी फोन के डब्बे में डाल के हमने देना, ठीक है, ये आप ये देखो पूरा 3 लाख रुपया, ये हम ज्यादा भी नहीं छोड़ेंगे क्या, 30 लाख है ये, 3 लाख ही है और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि बस जो कमेंट, अगर मेरी टीम पर लग गया है सिटी, अगर सिटी जीत गई तू पर बंदे को 5-5 हज़ार देना वो हमें बेनिफिट है, सोच 60 लोग तेरे आगे वो करेंगे आगे भेजेंगे शेयर करेंगे तो सोच पर बंदे को 5 हज़ार भाई आगे शेयर करो जो ज्यादा शेयर करेगा उसको 60 बंदे निकालना बहुत धोखा शाह वो समझ नहीं आएगी समझो बाहर निकाल लेंगे जिनको पैसे चाहिए वो कर लेंगे। चलो इस बारे में बात करते हैं, क्या नाम है उसका, हसन अली। अच्छा अभी मुझे हसन अली आपके पापा मिले हैं जिनके मुताबिक आप मेरे बहुत बड़े फैन हो, थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहो और व्लॉग्स वगैरह शेयर करते रहो, ठीक है, ओके अंकल जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अंकल स्पेशल रुके हैं और स्पेशल अंकल ने कहा आपकी सिफारिश हुई है, ठीक है, ऐसे बड़े वाले रहना फैन बड़े वाले पंखे पास ही पहुँच गया था कसैया करवाने, लेकिन अंदर पहले से माशाल्लाह से दो गाड़ियाँ खुली मेयर बैग के लिए काम। अच्छा इसके हमने तकरीबन सारी एडजस्टमेंट करवा लिया और जो होंडा सिटी है उसका सामान भी तकरीबन सेल होने लगा है, जिसका 4K गैराज हमने कल लाजमी जाना है, कमेंट्स में भी आप लोग बता देना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए फिर बता देना, नहीं तो कल तो परसों चले जाएंगे अगर आपको होगे तो। और उसके अलावा बस यही है इसका मैंने लाजमी कराने थे सारी वो कसैया वगैरह करवाई थी एक दफ़ा, ताकि अब मैं लाइफ टाइम इसको चलाता रहूँ कोई दिक्कत ना हो। और मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ 1x1 मैंने इसलिए कहा था, आप जिसकी भी एयर सस्पेंशन देखोगे वो तो मेरे मोबाइल में भी ऐप है, जो लोगों के मोबाइल में वो मेरे मोबाइल में भी है और जो लोगों के पास डिवाइस है वो मेरे पास भी है, उनकी गाड़ी जब बंद होती है ना ऐप्स नहीं चलती,
गाड़ी के नीचे से नीचे रहेगी, ऊपर है तो ऊपर रहेगी। आपकी भाई की गाड़ी जब बंद होती है, मैं बाहर उधर भी खड़ा हूँ ना, वो सामने और जहाँ पे गाड़ी है, मैंने ए बटन दबाने पे या एक बार ऐप से कंट्रोल करने पे, ऐप भी खिता रहा हूँ, बंद गाड़ी की ऐप भी ऊपर नीचे करती है। ये उन लोगों की नहीं करती, मैं ये बता रहा हूँ। आपके पापा ने स्पेशल सिफारिश किया है कि आपको प्यारा सा करके लेके आना। अच्छा, हमने कसैया वगैरह सारी करवा रहे हैं, बाकी वो कह रहे हैं पीछे शौक से थोड़ी बहुत कसाई अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, वो कह रहा अभी रिम लगा लो ना आप आजकल में, तो इंशाल्लाह दोबारा मैं जब रिम लगा के लगाने वो कह रहा तब मैं इंशाल्लाह खोल के आराम से दोबारा कर दूंगा एक दफ़ा, ताकि हमें वो टेंशन होती है ना, जो टेंशन होती है यार के अभी हमने कोई चीज़ चेंज की, शौक चेंज किया, तो वो दोबारा हमें टेंशन होगा। ऐसे टेंशन मुझे अभी नहीं थी, गाड़ी तो मैं इन्जॉय कर रहा था, पर फिर भी अपनी तसल्ली बेहतरी होती है क्योंकि गाड़ी जेन्युइन है, उसको हमने लेके ऐसे चलना है जैसे पत्ता भी नहीं ऊपर गिरने देना। माशाल्लाह माशाल्लाह।